हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको एक घर में पड़ी हुई पुरानी जीन से स्कर्ट बनाना सिखाऊंगी। ये बेबी स्कर्ट बनेगी, लगभग 5 साल से 6 साल तक के बच्चे इसको पहन सकते हैं। अब इस जगह से सबसे पहले हम इसे निशान लगा लेंगे। ये जो मोरी वाला एरिया है, इसमें निशान लगा के इस पार्ट को हम कट करके निकाल देंगे। अब ये ऊपर वाला तरफ है, एकदम आसन की तरफ से साइड में ले जाते हुए आप यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए बराबर में। सेम यहाँ दूसरी तरफ भी हम कर लेंगे। अब हम इसे कट करके निकाल लेंगे। अब ये बॉटम पार्ट को भी कट करके निकाल लेंगे। अब ये जो जीन्स का साइड वाला एरिया है, इसे हम उधेड़ के अलग कर लेंगे। ये देखिए, दोनों पैरों को ये देखिए उधेड़ लिया है। अब ये दो तरफ के कपड़े हैं, आप देख सकते हैं। पीछे का कपड़ा ये थोड़ा बड़ा होता है और आगे का कपड़ा थोड़ा छोटा होता है। तो हमें ये जो आगे वाला कपड़ा है, इसका नाप लेना है। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने नाप ले लिया है एकदम बराबर में। तो हमारा आ रहा है 7 इंच। तो 7 इंच में ही हमें पूरे इस एरिया में निशान लगा लेना है। अब इस लाइन से हम कपड़े को कट कर देंगे। देख सकते हैं ये नीचे वाला कपड़ा बड़ा है, तो हम इसे भी यहां से कट करके निकाल लेंगे। अब हम ये दूसरे पैर वाला कपड़ा भी ले लेंगे और जो हमने ये स्ट्रिप काटी है, इसे इसके ऊपर रख के देखिए, इस तरीके से बराबर एकदम हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और ध्यान दीजिए आप, ये मैंने जो छोटा वाला होता है उस तरफ रख के ये स्ट्रिप काटी है। ये देखिए निशान लगा के अब हम इस कपड़े को खोल लेंगे और एक तरफ से हम स्ट्रिप काटेंगे। इस तरफ की बड़ी वाली तरफ की हम स्ट्रिप नहीं काटेंगे। ये देखिए, बस एक तरफ का हम स्ट्रिप काट रहे हैं और ये बड़ा वाला तरफ हम साइड में रख देंगे। ये देखिए, ये हमारे बराबर नाप के 3 स्ट्रिप्स निकल चुके हैं, जिससे कि हमारा फ्रिल्स बनेंगे, घेरा रहेगा। अब ये जो बड़ा वाला कपड़ा हमने ये बचा के रखा था, इसमें हम काटेंगे अपने बेल्ट एरिया। तो बेल्ट एरिया हमें काटना है जितना भी ये आपका स्ट्रिप था, इससे आप 2 इंच ज़्यादा ले लीजिए। तो हमारा जैसे ये स्ट्रिप था 7 इंच का, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 9 इंच का। ये देखिए 9 इंच पे हमने ले लिया है। अगर आधा इंच करीब आपका ज़्यादा होता है ये कपड़ा, तो आप उतना ले सकते हैं एक्स्ट्रा। अब ये देखिए 9-9 इंच में मैं यहाँ पर निशान लगा ले रही हूँ। अब इसको मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच लीजिए। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट का कपड़ा कट के तैयार है, इसे साइड कर लेंगे। अब ये हमारे जो फ्रिल्स के लिए कपड़े काटे थे, अब दोनों स्ट्रिप्स का सीधा साइड फेसिंग करते हुए रखेंगे और यहाँ पे सिलाई दे देंगे और सेम इसी तरीके से दूसरे में भी अटैच करेंगे। सिलाई दे दी है और ये देखिए सीधी तरफ से ये ऐसा लग रहा है। अब हम इस कपड़े को उल्टा कर लेंगे और उल्टे तरफ हम इसकी प्लीट्स का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, कोने से हमें लगाना स्टार्ट करना है 2-2 इंच पे। इस तरीके से 2-2 इंच पे आप निशान लगा लीजिए, जिससे कि आपका प्लीट्स बहुत ही अच्छा और परफेक्ट आएगा। ये देखिए निशान लग चुके हैं। अब आप देख सकते हैं ये पहला वाला निशान और ये दूसरा वाला निशान है। तो ये दूसरे वाले निशान को हम पहले वाले निशान के ऊपर जस्ट इसको इस तरीके से रखेंगे। आप देख सकते हैं ये जो प्लेट है, ये हमने बाहर की तरफ हमने इसे निकाला है। अब यहाँ पे हम इसे ये पिन लगा देंगे, जिससे कि ये सिक्योर हो जाए और आराम से इसमें सिलाई हो सके। ये हमारा पहला प्लीट बन गया है। अब हम दूसरा प्लीट बनाएंगे। तो दूसरे प्लेट में हमें ये देखिए, ये वाला जो निशान है, अब इसको हमें इसके बगल वाले निशान के ऊपर हमें इसे लगाना है और इसे भी पिन कर देना है। आप ध्यान से देखिए कि एक प्लेट हमें बाहर की तरफ करना है और एक प्लेट का फेसिंग हमें अंदर की तरफ करना है।
ये देखिए, अब हमने ये वाला प्लीट को बाहर की तरफ किया है और इसके बगल वाला जो निशान है वो वाला प्लीट हमने अंदर की तरफ किया है। तो आप ये ध्यान रखिए और ध्यान से देखिए कि प्लेट का हमें एक तरफ आगे की तरफ रखना है और एक फेसिंग अंदर की तरफ रखना है। इसी तरीके से आप पूरे प्लेट्स बना लीजिए और पिनों से करते जाइए। ये हमने पूरा पिनअप कर लिया है और आगे की तरफ से ये इस तरीके से लग रहा है। अब हम इसमें सिलाई देना शुरू करेंगे। पिन निकालते हुए इस तरीके से हम सिलाई देंगे आधे आधे इंच का गैप छोड़ते हुए। स्टिच हमने दे दिया है। अब हम बेल्ट के कपड़े को इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो बेल्ट का सीधा तरफ और प्लीट्स का भी, घेरे का भी सीधा तरफ, दोनों को हम आपस में फेसिंग करते हुए रखेंगे। और ये जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा अगर बच जाता है तो उसे आप कट करके निकाल सकते हैं। ये देखिए, इतना कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसे मैंने थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल दिया है, बाद में हम इसे कट कर देंगे। दोनों का सीधा साइड फेसिंग करते हुए रखा है। अब आधा इंच का गैप छोड़ते हुए सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सिलाई हो चुकी है, सीधी तरफ से ऐसा लग रहा है ये। अब हम इसमें यहाँ पे इस जगह में एकदम सिलाई देंगे, बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे हमने सिलाई कर रखी है ऑलरेडी, उसमें ऊपर की तरफ हम एक टॉप स्टिच देंगे इसमें। और इसके जस्ट ऊपर हम एक पैर के गैप को छोड़ते हुए हम एक सिलाई ऊपर की तरफ भी देंगे और नीचे की तरफ भी हमें ये बॉटम में सिलाई दे देनी है। इस तरीके से दो छोटे छोटे फोल्ड बनाइए और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम इसको सिलाई कर देंगे। ये पहले हम एक सिलाई दे रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, एकदम जो सिलाई दे रखी है उसी के ऊपर ऊपर हम एकदम टॉप स्टिच दे रहे हैं एजेस में। अब ये हम दूसरी सिलाई दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, एक पैर की दूरी में हम थोड़ा सा ऊपर करके एक सिलाई और दे रहे हैं। अब हम घेरे के बॉटम में भी सिलाई दे देंगे। देखिए कितनी पतली सिलाई दे रही हूँ मैं, बिल्कुल दो छोटे छोटे से फोल्ड देते हुए यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, बॉटम की भी और ऊपर की भी। अब हम ये साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसे हम कट करके निकाल देंगे। इस तरफ से भी एक्स्ट्रा कपड़े को हम निकाल देंगे। अब हम स्कर्ट का नेफा तैयार करेंगे। पहले आप इसमें एक छोटा फोल्ड लीजिए आधा इंच का, फिर हम इसे 1 इंच का फोल्ड देंगे। अब इसी तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। ये हमारी लास्टिक है, लास्टिक हमारी 1 इंच की चौड़ी है तो तभी हम 1 इंच का इसमें ले रहे हैं गैप। और लास्टिक की नाप हमें चाहिए जितनी भी आपकी कमर की नाप है उसमें 3 इंच कम कर लीजिए। तो हमारी कमर की नाप है 24 इंचेस, इसमें 3 कम किया तो हो जाता है 21 इंचेस। नेफा भी तैयार हो चुका है, स्टिच हमने दे दिया है। अब हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक को हम सेफ्टी पिन की मदद से डाल रहे हैं। लास्टिक डालते समय ध्यान दीजिए कि लास्टिक आपकी पलटे नहीं। ये देखिए, एक तरफ से जब लास्टिक इस तरीके से निकल आए तो उसमें आप एक पिन लगा लीजिए जिससे कि लास्टिक आपकी अंदर ना चली जाए। और फिर दूसरी तरफ से भी इस तरीके से एडजस्ट करिए। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे भी आप पिन लगा लीजिए, दोनों तरफ पिन लगा लीजिए। फिर इसे इस तरीके से थोड़ा सा खींच लीजिए जिससे कि चुन्नटें पूरी बराबर में आ जाए। अब हम इसे फोल्ड देंगे और यहाँ साइड साइड में हम एक स्टिच दे देंगे। तो स्टिच दे दिया है, स्कर्ट बन के तैयार है, लास्टिक भी अच्छे से लग गई है। अब हम यहाँ पे एक बो लगाएंगे जो कि स्कर्ट की खूबसूरती और बढ़ाएगी। तो इसके लिए हमने ये दो कपड़े लिए हैं, इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच और इसकी लंबाई है 3.5 इंच। इस पीस के हमने दो कपड़े लिए हैं और इन्हें हमने सीधा साइड दोनों का फेसिंग करते हुए रखा है। और ये देखिए, साइड साइड में हम यहाँ पे सिलाई देंगे और बीच से हम 1 इंच की जगह छोड़ देंगे जिससे कि हम इसे पलटाएंगे। इस तरीके से हमें इसमें सिलाई देना है। पहले हमने यहाँ पे सिलाई दी है।
और बीच से फिर गैप छोड़ा है, फिर हमने इस तरफ सिलाई दी है। ये हमारा एक तरफ का सिलाई हो गया है। अब हम इसके नीचे यहाँ पे सिलाई दे देंगे, ये सिलाई भी दे दी है। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से पलटा लेंगे। आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारी सिलाई वाला एरिया है ये बीच में आ गया है। अब हम ये जो साइड साइड है यहाँ पे भी सिलाई दे देंगे। देखिए दोनों तरफ सिलाई दे दिया है। अब ये जो बीच में से खुली जगह हमने छोड़ी थी, यहाँ से हम इसे पलटा देंगे। ये देखिए पलट चुका है। अब किसी नुकीली चीज की मदद से आप इसके ये देखिए साइड इस तरीके से निकाल दीजिए। ये देखिए ये बनके तैयार है। अब हम इसे इस तरीके से बीच से हल्का सा चुन्नट देते हुए इसे किसी धागे से बांध देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे सिलाई भी दे सकते हैं सुई धागे से। अब स्कर्ट में ये जो सिलाई दे रखी है, इस सिलाई से आधा से एक इंच नीचे हम इसे यहाँ पे चिपका देंगे, या फिर सुई धागे की मदद से आप इसे टाका भी लगा सकते हैं। और आपके पास इस तरीके से कुछ लटकन हो जो कि आप यहाँ पे लगा देंगे, जिससे कि बो की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। या तो आप पॉम-पॉम लगा सकते हैं या कोई बटन लगा सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये देखिए ये हमारी स्कर्ट बनके तैयार हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी स्कर्ट बनके आई है, एकदम मार्केट की तरह। लग ही नहीं रहा है कि ये पुरानी जीन से बनी है। तो आप भी ये स्कर्ट जरूर ट्राई करिएगा। ये स्कर्ट 5 से 6 साल तक के बच्चों की बनके तैयार होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी आपसे नए वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।